कौन कितना खा सकते वो भी देखेंगे, आज ताकत वहां पर नापा जाएगा। ज्यादा वो खाएगा वो ये छोटा ये कम खाएगा, सबसे ज्यादा कौन खाएगा पता है क्या? वो ओ फुर्जिंग यहाँ देख, सबसे ज्यादा मोमो कौन खाएगा? ये खाएगा, ये खाएगा। मैं नहीं खाऊंगा। खाएंगा नहीं तो हगेंगा किसी मेरी जान। हमला हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारा यूट्यूब चैनल में। सो आज का व्लॉग ऐसा है दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ फिर से वापस घर। आप लोग भी देख रहे होंगे कि मैं कितने बार घर जाता हूँ आता हूँ, क्योंकि अभी काम ही ऐसा ही है तो फिर जाना पड़ेगा। क्योंकि कल जो है 15 अगस्त है, तो दोस्त लोग भी बुला रहा था तो मुझे घर जाना चाहिए। अभी साइड से होगा तो साथ में भाई भी सिंगताम तक आएगा, जो कि हमारा डुबजन भाई है, और भाई और हम साथ में घर वापस जाएंगे। सो फिलहाल का सीन ऐसे दोस्तों, कल रात हम लोग ऐसा ही बारिश में भीगते हुए आए थे, तो यहाँ पर देख सकते हो जो हेलमेट और रेनकोट वगैरह कुछ ऐसा ही है, और यहाँ पर दोस्त जो है ऐसा ही है, ये अभी बिस्तर से भी जागा हुआ नहीं है। फिलहाल बाहर का मौसम देख सकते हो, कल थोड़ा सही था लेकिन आज ऐसा ही बारिश वाला दिन हो रखा है, और हमारे कपड़े भी देख सकते हो अभी तक भी सूखा हुआ नहीं है, लेकिन जो भी हो चलेगा। सो आज का सीन ऐसा ही है, अभी फिलहाल खाना वाना खाते और निकलते, क्योंकि अभी टाइम बच चुका है ऐसा ही 9। और यहाँ पर देख सकते हो दोस्त खाना बना रहे, और क्या है मेरा ब्लॉग, और यहाँ पर देख सकते हो मेरा ब्लॉग देख रहा था दोस्त कल रात का, जो पानी में भीगते हुए चल रहे थे। मैं नहीं था ना, तो ये नहीं था इसलिए अभी ये ब्लॉग देख रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अभी यहाँ पर ये सब्जियाँ बना रही है, काफ़ी अच्छा सब्जी खाना सब्जी बनाते हैं, और मैंने अभी खाना अभी भी लगा दिया था, अभी खाना पक रहे, कोई बात नहीं। सो फिलहाल अभी ये बना रहे अंडा भुर्जी सब्जियाँ अंडा भुर्जी, क्योंकि सब्जी उतना ज़्यादा नहीं है यहाँ, और सब्जी खरीद के खाना भी काफ़ी ज़्यादा महंगा हो चुका है भाई साहब। कुछ भी अभी खरीद के खाना ना काफ़ी महंगा हो चुका है। तो भाई क्या बना रहे हो भाई साहब? ये ऐसा ही जो क्या मिर्च को भूट रहे, तो इसका जो गंदे जो है सीधा आके लग रहे हैं यहाँ, इसलिए मुझे जो थोड़ा जो है खांसी आ रहा है। सो अभी फिलहाल खाना खाते हैं, और खाने में है यहाँ हमारा चावल, और यहाँ पर अंडा भुर्जी, और ये भी है अंडे का ग्रेवी। और गाइस अभी मैं फाइनल रेडी हो चुका हूँ, और टाइम अभी 10:30 का टाइम हो चुका है। फिलहाल निकलते हैं यहाँ से, जितना जल्दी गांव पहुँच पाए उतना अच्छा है मेरे लिए। सो भाई अभी कॉल कर रहे थे तो वो अभी सिंगताम पहुँच चुके हैं, फिलहाल मैं यहाँ से निकलता हूँ, देखते कितने बजे सिंगताम पहुँचते। और यहाँ पर दो दोस्त भी हैं मायल, और ये अभी ये लोग भी जा रहे हैं कहीं कहीं, वो तो मुझे मालूम नहीं है, मैं तो अपने काम से बिजी हूँ। मैं अभी यहाँ से सीधा गाँव निकल रहा हूँ, और मेरे पास अभी यहाँ पर एक ठो बैग है, और यहाँ पर एक जो भाई का फाइल था, जो कि इसमें सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह है। पहले से बोल रहा था लेके आ जाओ लेके आ जाओ, मैं 2-3 बार गांव जा चुका हूँ लेकिन मैं भूल गया था, आज भी मैं भूलने वाला था, अभी ही उन्होंने कॉल किया था तो मुझे याद आ गया। हाँ तो अभी नहीं भूलना है। सो गाइस अभी मैं पहुँच चुका हूँ एमजीमार्क, और यहाँ का नज़ारा देख सकते हो कुछ इस तरह का है, अच्छी तरह से सजाया गया है यहाँ पर, जो कि नेशनल फ्लैग जो कि काफ़ी लंबा भी लगाया गया है यहाँ, और वहाँ नीचे भी देख सकते हो फेरल की तरह काफ़ी ज़्यादा लगाया हुआ है। एक बार अंदर जाके देखते हैं किस तरह का यहाँ का नज़ारा देख सकते हो। वाह काफ़ी अच्छा सजाया गया है, थोड़ी दिन पहले यहाँ ऊपर से हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसाया गया था, और यहाँ काफ़ी खूबसूरत है देख सकते हो, जो कि आप लोग वो पार पार तक वो लगाया गया है, फिर लगाया गया है जो नेशनल फ्लैग का, वाह काफ़ी खूबसूरत है। एमजीमार्क का नज़ारा भी देख लिया, और आप लोगों को भी दिखा दिया। सो फिलहाल अभी चलते हैं यहाँ से सीधा देवराली स्टैंड। गाइस फाइनली 12:30 के अंदर मैं पहुंच चुका हूँ सिंगताम। सो अभी फिलहाल निकलते हैं, थोड़ा बहुत जाम था इसलिए थोड़ा लेट पहुँचे, लेकिन कोई बात नहीं, अभी फिलहाल सीधा स्टैंड चलते हैं। तो अभी जाते वक्त ना मुझे एक ठो रंगीला भी लेके जाना है, वो गाल पे तिरंगा बनाने के लिए, तो देखते हैं कहाँ पर मिलेगा। सो देखो गाइस सामान तो खरीद लिया, और अभी देखो बारिश आना चालू हो चुका है, अभी स्टैंड पे आगे गड्डी भी मिल चुका है, और मैं स्टैंड के अंदर व्लॉग कर नहीं पाऊंगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है। सो साइड से यहाँ से सीधा निकलेंगे, अभी टाइम ऐसा 1 बज चुका है, और फिलहाल मुझे थोड़ा बहुत जो ATM से पैसा भी निकालना है, तो चलिए अभी पैसा निकालते हैं।
लंच किया मोमो, क्योंकि गर्म गर्म था यहाँ से। सो फिलहाल अभी चलते, आज घर में भी मोमो बना के खाना है, तो शायद चैलेंज भी होगा, काफ़ी मज़ा आएगा। चलिए सभी खाना खाने के बाद में पीते हैं जूस। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं घर, और अभी टाइम 6 बजने वाला है। सामान सब उतार दिए, दो लॉन्डो भी आ चुके हैं। फिलहाल यहाँ से सीधा चलते हैं घर। सो दोस्तों, अभी हम लोग चल रहे हैं स्कूल के ग्राउंड पे, जहाँ कल यहाँ पर वॉलीबॉल 15 अगस्त मनाया जाएगा। देख सकते हो, अभी देखो खतरनाक वाला बारिश हो रहा है, पता नहीं कल क्या सीन होगा। और देखो गाइस, शाम को हमारा गाँव कितना सुंदर दिखता है। और थोड़ी देर पहले यहाँ आ गया तक तो बारिश आ रहा था, हम लोग छतरी भी लेके आ गए थे, और अभी यहाँ तो बारिश नहीं हो रहा। सो गाइस, फाइनली मैं घर पहुँचे ही थे, और अभी हम लोग बनाना शुरू कर चुका है मोमो। अभी यहाँ देख सकते हैं मीट पूरी तरीके से कटिंग हो रहा है, और यहाँ पर देख सकते हो हमारा कटने वाला जो है। तो यहाँ पर जो चिकन बना रहा है, और फिलहाल यहाँ पर देख सकते हो अच्छा प्याज काटा जा रहा है, जो कि मोमो के लिए। और आज मीट वाला मोमो खाएंगे सब लोग मिलके, और कौन कितना खा सकते वो भी देखेंगे। आज ताकत वहाँ पर नापा जाएगा, ज्यादा वो खाएगा वो ये छोटा ये कम खाएगा, सबसे ज्यादा कौन खाएगा पता है क्या? वो ओ फुर्जिंग फुर्जिंग, यहाँ देख सबसे ज्यादा मोमो कौन खाएगा? ये खाएगा, ये खाएगा। मैं नहीं खाऊंगा। खाएंगा नहीं, दहागेंगा किसी मेरी जान। हाँ खाएगा खाएगा, लोग सबको बांटो। और यहाँ पर देख सकते चिप्स भी बांटा जा रहा है, चिप्स भी खा रहे हैं सब लोग। और यहाँ पर देख सकते चिप्स जिला भी है। चलो एक बार छे कर दीजिए साला, सबको एक एक दिन। ठीक है, ओनली वन पीस, ओके? या ज़्यादा नहीं है, एक एक हमला जाने एक एक इतना अच्छे देख सकते हो, यहाँ पर आग लगा हुआ है, जल भी चुका है, अभी अभी भी निकल नहीं रहा साला, इतना अलचे नाम शी नीचे निकल इतना अलसी है। देखो दोस्तों, जो बॉडी जो है पूरी तरह से जल चुका है, लेकिन फिर भी नहीं निकल नहीं रहा, अभी निकल चुका है। सो गाइस, हमारा मोमो बन के रेडी हो चुका है, जो कि हमने यहाँ पर लगाया है, थोड़ा ऐसा हिला भैंस की टांग बस, और दूसरा यहाँ पक रहे, और कंपनी वहाँ है, सब लोग वहाँ बना रहे हैं। सो फिलहाल खाते हैं मस्ती से। सो गाइस, सब लोग अभी मोमो बन के भी मोमो पर हमला कर चुके हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं सब लोग मोमो खा रहे हैं, और हमारा वहाँ है, और यहाँ पर रोहित भाई जो है भी कोक लगा रहे हैं, और कोक लगाते हैं मस्ती से खाते हैं, पूरा का पूरा यहाँ पर है, और आधा जो है यहाँ पर पक रहा है अभी, ये पकता रहेगा, खाने वाला खाता रहेगा कुछ यहाँ से लेकर के किस तरह से यहाँ से लेके यहाँ इस तरह से चोप के खाना है, ये अचार है अचार। पार्टी किया जाए। तो गाइस देखो, मैं खा रहा हूँ रात को चिकन के साथ में खाना खा रहा हूँ, क्योंकि जितने भी खाने के लिए रात को स्पेशल जो भी हो, लेकिन रात में थोड़ा सा जो चावल पेट में नहीं गए ना, तो कुछ अच्छा नहीं लगता, अजीब सा लगता है, तो इसीलिए मैं तो ऐसे ही चावल खा रहा हूँ, और मोमो भी खा रहा हूँ थोड़ा बहुत। और फिलहाल खाना वाना हो चुका है, अब पीते हैं कोक देसी वाला स्टाइल में, हल्का वाला मत में। सो गाइस, फाइनली खाना वाना खा कर आ चुका हूँ मैं रूम पे। सो यहाँ पर देखते रूम का बेड का कुछ हालत इस तरह के, सो अभी मुझे इसको भी थोड़ा बहुत जो है मिलाना है, और दोस्त लोग जो है कहीं लोग नीचे ऐसा ही गेम खेल रहे, कहीं लोग ऐसा ही वीडियोस देख रहे, और अभी टाइम 10 बजने वाले, सो अभी ऐसा भी थक चुका हूँ मैं, और फिलहाल मुझे भी वीडियो एडिट करना है, मैं वीडियो एडिट करने के लिए बैठ जाता हूँ। और कल है 15 अगस्त, जो कि आप लोग भी मनाते होंगे, मनाते ही होंगे, तो कल हमारा भी यहाँ गाँव में ऐसा ही वॉलीबॉल है, वॉलीबॉल मैच है, देखने जाना है, और वो किस तरह का होता है कैसा होता है वो आप नेक्स्ट ब्लॉग में देख लेना। सो अभी के लिए बस इतना ही, आज का ब्लॉग में उतना ज़्यादा खास कुछ नहीं था, ऐसा ही गैंगटॉक से बस्ती आते हुए ऐसा ही ब्लॉग बना लिया, तो आई होप आप लोगों का अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके रखना, और चैनल पर पुराना हो तो लाइक ठोक देना। और इसी के चलते मैं इस ब्लॉग को करना चाहूँगा एंड, अपना ख्याल रखिए, आपसे मिलेंगे जल्दी आने वाले ब्लॉग में। जय हिंद, वंदे मातरम।